नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अशोक ईटूटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं थर्मोकपल क्या होता है, इसका कहाँ पे यूज करते हैं, किस तरीके की कंस्ट्रक्शन वर्किंग रहती है, क्या इसकी टेम्परेचर रेंज रहती है, इन सभी के बेसिक पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं आज के इस वीडियो में थर्मोकपल के रिगार्डिंग ये वीडियो लेक्चर्स। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा अशोक ईटूटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको देखिएगा बेल आइकन का नोटिफिकेशन, उसको भी प्रेस कर दें। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हम इस वीडियो इस चैनल पर जब भी नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिलता रहेगा। चलिए समझ लेते हैं आज की इस वीडियो में थर्मोकपल क्या होता है, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन वर्किंग रहती है, कैसे यह काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, टेम्परेचर रेंज क्या रहती है, ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती है थर्मोकपल के अंदर डिस्कशन करना। आपको बताते हैं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहते हैं, जो बीटेक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से अभी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो समझ लेते हैं एग्जाम में जब पूछा है आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है थर्मोकपल आके होता क्या है, मैंने उसके रिगार्डिंग कुछ लिखा है, मैं अभी भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। सुझाए थर्मोकपल क्या है तो आप बोल सकते हैं थर्मोकपल पे एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सेंसर है जो जिसका यूज हम टेम्परेचर मेजरमेंट करने में करते हैं। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर मेजर या सेंस करने में जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसको थर्मोकपल बोलते हैं। वैसे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस या टेम्परेचर सेंसर कई सारे हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट है। इससे पहले हमने RTD भी पढ़ा था, आपको बताया था, इससे पहले हमने थर्मिस्टर भी बताया, लेकिन थर्मोकपल भी एक अलग पार्ट है जो कि अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग रेंज में, अलग अलग वेरिएंट में उपलब्ध रहता है। वो डिपेंड करता है उसकी मेटल प्रॉपर्टी पे, हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम समझ गए कि थर्मोकपल क्या होता है। थर्मोकपल एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, टेम्परेचर सेंस करता है, मेजर नहीं करता है। टेम्परेचर सेंस करेगा, उस टेम्परेचर को हम अलग मेजर कर लेते हैं, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात आपको इंपॉर्टेंट चीज में ये ध्यान रखना है कि थर्मोकपल जो है वो इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड करता है सीबेक इफेक्ट पर। सीबेक ने आपका जो थॉमसन सीबेक थे उनने एक इफेक्ट, उसके इफेक्ट पर मतलब प्रिंसिपल दिया था, उस पर यह काम करता है। तो सीबेक इफेक्ट क्या बोलता है उसको समझना पड़ेगा। कि सीबेक इफेक्ट ये बोलता है कि जब दो कंडक्टिंग मटेरियल के दो डिफरेंट आपकी मेटल वायर्स को कनेक्ट किया जाए, दो जंक्शन बना जाए, जैसे कि यहाँ पे देखें कि दो डिफरेंट मटेरियल्स, कंडक्टिंग मटेरियल्स के दो वायर्स को एक दूसरे के एंड पर कनेक्ट कर दिया है, दोनों के जंक्शन बना जाए, एक जंक्शन को मतलब जो कनेक्शंस रहेगा उसको हॉट रखा जाए और एक को कोल्ड रखा जाए, तो क्या होगा, उन दोनों वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। यह प्रिंसिपल दिया था सीबेक ने, उसी पे काम करता है हमारा थर्मोकपल। एक बार फिर बात कर लेते हैं कि सीबेक इफेक्ट के अनुसार जब दो डिसिमिलर, डिसिमिलर मतलब डिफरेंट, ऐसा नहीं कि एक ही मेटल की आपने मिली, दो डिफरेंट वायर्स को, वो भी कंडक्टिव वायर्स को लेकर उनके दो जंक्शन बनाया जाए, मतलब दोनों एंड को कनेक्टेड किया जाए, एक को रखा जाए हॉट, दूसरे रखा जाए कोल्ड, और इस रखने के बाद क्या होगा, उन दोनों मेटल वायर में जो डिसिमिलर है उनमें क्या हुई, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। उसको हम यहाँ पे देखें वोल्टमीटर लगाया, उसके द्वारा हम कितनी करंट फ्लो हो रही है, वोल्टेज या कितना वोल्टेज इसमें जनरेट हो रहा है, उसको हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पर। ठीक है, समझ में आ गया सीबेक इफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में लिखा है, थोड़ा समझ लिया फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है कि द थर्मोकपल इज ए सेंसर यूज टू मेजर द टेम्परेचर, क्लियर होगा। द थर्मोकपल आर मेड विद टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मेटल या डिसिमिलर मेटल्स ज्वाइंट टुगेदर टू एट वन एंड फॉर टू फॉर्म ए जंक्शन, देन द इसके बाद द थर्मोकपल आउटपुट नहीं मिली वो। ठीक है, ये तो आपने लिख दिया, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या करें कि जैसे मान लीजिए दो जंक्शन बना लिए हमने, अब हॉट और कोल्ड जंक्शन क्या है, हॉट कोल्ड मतलब कि आपके दोनों वायर जो हैं, दोनों वायर डिफरेंट मेटल के हैं, दोनों वायर को हॉट मीन्स जिस जगह पे हमको टेम्परेचर मेजर करना है, फर्नेस में करना है, किसी भट्टी में आपको टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, तो उस एंड को वहाँ भट्टी में लगा देंगे, दूसरा एंड आपको रहेगा रेफरेंस जंक्शन, तो ऑटोमेटिकली वे कोल्ड रहेगा, एक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे दूसरा ऑटोमेटिक कोल्ड कहलाएगा। ऐसा नहीं इसको कोल्ड स्टोर में रखना है, ऐसा नहीं है, जहाँ पे मेजर करना है उसको रख दिया तो वो बन गया हॉट जंक्शन, और जिस एक तरह का अपना रेफरेंस रहेगा तो वो कोल्ड बन गया। दोनों में यदि ऐसे रखेंगे, सीबेक ने कहा कि दोनों में आपका करंट फ्लो होगी या इलेक्ट्रिक आपका जो है वोल्टेज जो जनरेट होगा उसको हम मिली वोल्ट द्वारा यहाँ पे वोल्टमीटर द्वारा जनरेट मेजर कर लेते हैं। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया किसका, थर्मोकपल का। अब ये थर्मोकपल का जो है वो ये मैटर है, मेटल जो है टू डिसिमिलर मेटल है जो डिफेंड करता है किस टाइप का मेटल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस मेटल को भी कैटराइज किया है रेंज के अकॉर्डिंग, कितनी रेंज के लिए कौन सा वाला हम थर्मोकपल यूज करेंगे, किस जगह पे करेंगे, हमारा रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मैटर इसमें चेंज की जाते हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, आप देख सकते हैं, और वो मैंने नाम दिया है द टाइप्स ऑफ थर्मोकपल। ठीक है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल आप समझ गए, सीबेक है। अब टाइप देख लेते हैं,
टाइप भी कैटेगराइज किया गया है, इंपॉर्टेंट जनरली इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो टाइप जनरली जे के ई टी टाइप है, इसके अलावा और सारे टाइप्स हैं, लेकिन ये टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है कुछ बेसिक्स जो आपको याद होना चाहिए, इतना आप लिख दो काम चल जाएगा। जे टाइप की बात करें तो टेम्परेचर इसकी 0 डिग्री से 750 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 750 डिग्री तक के टेम्परेचर को मेजर करना हो तो वहाँ पे हम टाइप करेंगे, टाइप कैटेगराइज किया जे टाइप का, और इसका जो मेटल यूज़ करता है आयरन कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन मेटल का बना होता है जे टाइप, इसको नाम दिया कैटेगराइज किया गया। नेक्स्ट है के टाइप, माइनस 200 डिग्री से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजर करने में जिस थर्मोकोपल यूज़ करेंगे उसको के टाइप कैटेगराइज किया गया, और ये इसकी जो मेटल रहेगा वो निकिल क्रोमल या निकिल एल्यूमल, या इसको क्रोमल एल्यूमल ही बोलते हैं, लेकिन आप निकिल क्रोमियम या निकिल एल्यूमल मेटल का ही बना होता है। नेक्स्ट कट रहा है ई टाइप का, माइनस 200 से 900 डिग्री तक यूज़ करेंगे, इसको ई कैटेगरी में डाला गया है, निकिल क्रोमियम या निकिल कॉन्स्टेंशन। और टी टाइप का है माइनस 250 डिग्री से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉपर कॉन्स्टेंशन वायर। अब ये वायर हैं, दो वायर है, कॉपर कॉन्स्टेंशन या आयरन कॉन्स्टेंटेंशन, ये इस टाइप के वायर्स हैं। दोनों वायर्स को लेके जॉइंट किया जाता है, एक जंक्शन बनाया जाता है और एक रखा था आपका रिफरेंस जंक्शन, बीच में कहीं भी वायर को एक को कट करके वहाँ से हम दो टर्मिनल निकाल लेते हैं, वहाँ से कर देते हैं कनेक्शन वोल्ट मीटर का, डिजिटल वोल्ट मीटर का। तो जिस क्या होगा यहाँ पे, जिस जगह टेम्परेचर बढ़ेगा एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट, तो क्या होगा जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब यहाँ पे रेफरेंस नॉर्मल टेम्परेचर है तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो नॉर्मल टेम्परेचर प्लस फर्नेस का टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस कारण इसमें आपका होगा आपका मिली वोल्ट जनरेट होंगे, उसको डायरेक्टली हम रीड आउट कर लेते हैं, जो कि डायरेक्टली हमको आउटपुट मिलता है मिली वोल्ट के रूप में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीज हुए टेम्परेचर के। तो इस तरीके से थर्मोकपल के द्वारा हम इंडस्ट्री में टेम्परेचर का मेजरमेंट कर लेते हैं, और जनरली थर्मोकपल का जो हम यूज़ करते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री में वो जनरली बॉयलर के अंदर करते हैं या फर्नेस के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर मेजर करने में इस हम थर्मोकपल डिवाइस का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में प्रोसेस इंडस्ट्री। क्लियर समझ होंगे आप थर्मोकपल क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कितने टाइप्स के रहते हैं इसका, और कैसे बना होता है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिक नॉलेज आपको मिल गया होगा। उम्मीद करते हैं थर्मोकपल रिगार्डिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन को ओवरव्यू आपको मिला होगा, इसके बारे में लिख सकते हैं थर्मोकपल क्या आप मुझे बता सकते हैं। आप थर्मोकपल सीबेक पैड पर काम करता है, सीबेक जब टू डिसिमिलर कंडक्टिंग मटेरियल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करें, एक को हॉट जंक्शन बना दें दूसरे कोल्ड जंक्शन बना दें, तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं लगेगी एज पर मतलब कि जो टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग, और जो आउटपुट हमको मिलता है वो मिली वोल्ट मिलता है, वही प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है, तो इस तरीके से थर्मोकपल का टॉपिक आपका कवर होता है। उम्मीद करते हैं आपको थर्मोकपल रिगार्डिंग जो हमने वीडियो लेक्चर आपको बताया समझाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो में बताइए इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो आई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके हम बताएं आपको थर्मोकपल रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये टॉपिक कैसा लगा, कोई डाउट है तो क्वार कर आप कमेंट है करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम निश्चित आपको उनका जवाब देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप और भी अन्य वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसे नहीं लगते, साथ में दबा दें बेल आइकन, इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, हम जब भी नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको एंड्रॉइड मोबाइल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।